नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम एलर ब्रेस रिडक्शन सर्जरी करेंगे। ये सर्जरी उन लोगों में की जाती है जिनके नॉस्ट्रल्स काफ़ी बड़े रहते हैं और आइसोलेटेड डिफॉर्मिटी के रूप में है इस पेशेंट में। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रल है उसका शेप और राइट की तुलना में अलग भी है और बड़ा भी है, और दोनों साइज़ के नॉस्ट्रल ही बेसिकली बड़े हैं। सो इसमें हम लोग जो प्रोसीजर करेंगे लोकल एनेस्थीसिया में करेंगे, जिसमें सिर्फ उसी पार्ट को एनेस्थेटाइज करेंगे जहाँ पर सर्जरी रहेगी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर रफली 30 मिनट्स रहता है और उसके बाद पेशेंट को तुरंत हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो स्टेप रहता है मार्किंग का रहता है। हम लोग दोनों साइड सेमी लूनर टाइप का टिश्यू निकालते हैं, लगभग इक्वल निकालते हैं, लेकिन इस केस में लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा निकालना रहेगा। मार्किंग करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और डिजायर्ड साइज़ और शेप का टिश्यू निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं हमने राइट साइड में प्रोसीजर कर दी है और लेफ्ट में अभी करना बाकी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है लेफ्ट और राइट में इस समय इस इमेज में। जब इसके बाद लेफ्ट साइड का भी रिडक्शन किया जाएगा। जो प्रोसीजर रहेगा उसमें जो सूचर रहते हैं वो आपको 12 से 13 दिन में कटवाना पड़ते हैं, 5 डेज तक मेडिसिन लेना रहती है, बाकी इसमें और कोई मेजर साइड इफेक्ट या रिस्क होने का चांस नहीं रहता है। अगर राइनोप्लास्टी में कुछ और भी चीज़ें करना है तो वो भी साइमल्टेनियसली की जाती है। कई बार टिप की सर्जरी, डॉर्सम ऑगमेंटेशन वगैरह किया जाता है। जो कॉस्ट रहती है प्रोसीजर की डिपेंड करता है हम किस शहर में प्रोसीजर कर रहे हैं, रफली 25,000 से लेकर 40,000 की रेंज में हो सकती है।